हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं कूलर, जो कि इस प्रकार का लुक होगा उसका। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले दोस्तों आपको पीवीसी पाइप ले लेनी है, जो कि 3 इंच पीवीसी पाइप हैं और हल्के में हैं, और इनकी पीवीसी सीट बनाएंगे इनके दोस्तों, और इन पे मार्क करके दोस्तों इनकी, और इनको एंगल ग्राइंडर की मदद से दोस्तों हम काट लेंगे। अब दोस्तों हॉट गन की मदद से हम सीट बना लेंगे इनको गर्म करके। कुछ इस प्रकार से हमने सीट बना ली है, और देख सकते हैं इनकी डायमेंशन, देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके इसी प्रकार से आप कट कर सकते हो। सो दोस्तों 17x28 सेंटीमीटर का टुकड़ा ले लिया है, और इसका हम फ्रंट बनाएंगे इसका, और इसको हम प्रोपेलर का यूज़ करने वाले हैं इस प्रोपेलर का, और जो कि हमने मार्किंग करके, और यहाँ पर हम इसका इस पर डिब्बा बना लिया है, और मार्क स्केल से हम इसका मेड निकालेंगे इस डिब्बे का कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों देख सकते हैं मिड लगा गया, और फ्रैक काल की मदद से हम सर्कल खींच लेंगे, जितनी बड़ी प्रोपेलर है उतनी बड़ी हम सर्कल खींच लेंगे। देख सकते हैं इतना अंदर का एरिया भी कट कर दिया हमने। अब दोस्तों HDFC स्विच लगाएंगे ये वाले, और एक DC कनेक्टर लगाएंगे 12 वोल्ट यहाँ पर, और इस प्रकार से हम कट करके यहाँ पर इनको लगा देंगे कुछ इस प्रकार से लगा दिया। देख सकते हैं आप ऑन ऑफ स्विच, एक पंप का है, एक मोटर का है। अब हम दोस्तों एक ये वाली पीछे वाली सीट लेंगे, और इनको हम ये वाली नेट जाली लगाने वाले हैं। दोस्तों ये कमेंट करके ज़रूर बताना इस जाली को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों हम मार्किंग करके इनको, और इस प्रकार से हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, और इसकी सेंटीमीटर नाप लेंगे कितनी बड़ी है ये। और सो दोस्तों कूलर वाली दुकान पे जाना है, वहाँ से आप कटे पिटे में से माल ले आना, ये वाला 10 या 5 रुपए में दे देगा आपको कुछ इस प्रकार से। हमने एंगल ग्राइंडर की मदद से इसे भी कट कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब दोस्तों अब हम इन सारे पीसों को चिपकाने वाले हैं, और इनकी टेपिंग करेंगे। टेपिंग करके दोस्तों इनको चिपका देंगे कुछ इस प्रकार से। हमने टेपिंग कर दी है, अब हम इनको चिपका देंगे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम टेप की मदद से इन इसको उसी शेप में ले आए हैं। सो दोस्तों इस प्रकार इसका शेप आ चुका है, और इसको हम स्टड ग्लू से बढ़िया तरीके से चिपका देंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों हमने चिपका दिया है, अब नीचे वाला वो बनाएंगे सिरा, और इसके लिए हम पीवीसी पाइप ले रहे हैं, और इसको इसके ऊपर रख के मार करके, इसको मार करके दोस्तों हम। सो दोस्तों हमने इस प्रकार से पीवीसी पाइप सीट कट कर लिए, देख सकते हैं एक नीचे वाला सिरा है, एक ऊपर वाला सिरा है, और इसको हम वाटरप्रूफ करने वाले हैं, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे एम सील, और ये 10 रुपये की मिली है मुझे, और इन दोनों लिक्विड को मिला लेंगे हम अच्छी तरह से, और कुछ इस प्रकार से मिला लिए, और हम यहाँ पर लगा दिए। देख सकते हैं एकदम वाटरप्रूफ बना दिया है, इसको चारों कोनों में भर दिया है। अब हम पेंट करने वाले हैं दोस्तों, इसको ब्लैक पेंट कर देंगे हम, आप चाहें तो लाल या पीला कर सकते हैं। One hour later. इसके सूखने के लिए 1 घंटे रख दिया था। अब देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है इसका। अब हम इसका फ्रंट बनाएंगे इस प्रकार से इसका जाल, और इस प्रकार से हमने ये ले लिए पीवीसी पाइप कट कर लिए 1-1 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, आप स्क्रीन में दिखाई जा रहे हैं उसी प्रकार से आप कट कर लें।
इनको। सो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने कट कर लिए। अब हम इसके ये इनको हम इस यहाँ पर लगा के इसको हम हॉल कर लेंगे। 7 हॉल लाइन डोरी से मिड में 16 सेंटीमीटर के टुकड़े में दोस्तों दोनों में एक ही तरह से हॉल कर लें, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप। अब हम इनका जाल बनाएंगे और कुछ इस प्रकार से हमने ये वाली नुकीली टाइप बना दी है, नुक दोनों तरफ और इनको हम जाल बना लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने लगा लिया, देख सकते हैं आप। छाँ के दर भी ऐसे हवा ले सकते हो आप मोड़ के। और सो दोस्तों इस प्रकार से हमने जाली ले लिया और इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। और हम ये वाली पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले रहे हैं और ये वाली मोटर ले रहे हैं दोस्तों, और इसको हमें यहाँ पर चिपका देंगे इस प्रकार से यहाँ पर लगा के। और कुछ इस प्रकार से हमने चिपका के और सोल्डरिंग भी कर दी है। सो दोस्तों इसके अंदर हम फिट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं फिट हो चुकी है। अब काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों, काफ़ी अच्छा कूलर लग रहा है। अब हम दोस्तों ये वाली पंप ले रहे हैं, ये आई बटन पर लिंक दे दूँगा या फिर एंड स्क्रीन पर आप जाके देख सकते हो, कल परसों ही बनाई है ये। सो दोस्तों हम इसका यूज़ करने वाले हैं, आप चाहें तो 12 वोल्ट की मोटर का भी यूज़ कर सकते हो पंप का। और कुछ इस प्रकार से हम ये इसके अंदर लगा देंगे। अब हम दोस्तों इनके कनेक्शन कर ले रहे हैं, कनेक्शन करके जब आपको बताऊंगा। सो दोस्तों कुछ इस प्रकार से कनेक्शन हो चुके हैं, अब आपको दिखा दे रहे हैं। ये वाले ये मोटर के वायर हैं दोस्तों, ये पंप बाके पंप के वायर हैं। और दोस्तों इनके लाल वाला वायर एक तरफ कनेक्ट कर दिया है तीनों को दोनों का। और इस प्रकार से हमने वो ब्लैक डीसी बोल्ट से 12 वोल्ट डीसी से कनेक्ट कर दिया है और दो स्विच से कर दिए हैं। और हम पंप को ग्लूगन की मदद से पंप के पाइप को इसको चिपका देंगे दोस्तों ग्लूगन की मदद से। अब हम इसको बंद कर देंगे, पूरा काम हो चुका है। अब हम स्टेट ग्लू से चिपका देंगे और इसके अंदर हम पाइप भर लेंगे। पाइप भर के अब हम टेस्टिंग करेंगे, देख सकते हैं आप चालू कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से चल रहा है, देख सकते हैं आप काफ़ी हवा दे रहा है। सो दोस्तों हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेट कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। तो काफ़ी ठंडी हवा दे रहा है और ये वाली जाली लगा के काफ़ी ठंडी हवा देता है और एसी जैसी देता है। सो दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लें, ये साइड में दिख रहा है, इसी नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च करें और फॉलो ज़रूर करना। सो दोस्तों आप देख सकते हैं पानी चल रहा है इसके अंदर। और दोस्तों कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम थ्रू पूछ सकते हो। और देख सकते हैं सामने वाला ब्रांड से चल रहा है। और सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।